गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स के रूप में वर्कशीट 34 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ए, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हमें इन क्वेश्चंस को, दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स को। एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, रितु बाउट एन आइसक्रीम फॉर 38 रुपीज़, वेल तानिया बाउट एन आइसक्रीम फॉर 52 रुपीज़। हाउ मच मोर डिड तानिया पे फॉर द आइसक्रीम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रितु ने एक आइसक्रीम खरीदी 38 रुपीज़ में, ओके, जबकि तानिया ने एक आइसक्रीम खरीदी 52 रुपीज़ में। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि तानिया ने कितने रुपए आइसक्रीम के लिए ज़्यादा दिए, और ये जानने के लिए हम 52 में से 38 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्शन के लिए फर्स्ट हम दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। सो फॉर सॉल्यूशन, फर्स्ट हम लिखेंगे 52 रुपीज़ एंड सेकेंड हम लिखेंगे 38 रुपीज़। 52 रुपीज़ माइनस 38 रुपीज़। अब जब हमने इन्हें सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट हम पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हम डॉट का यूज़ करेंगे जो कि रुपीज़ एंड पैसे को अलग रखता है। अब जब हमने पैसे को सब्ट्रैक्ट कर लिया, देन हम रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट हम 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, इसलिए हम 2 को बिगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और इसके लिए हम 5 से 1 बोरो करेंगे। ओके, 5 से जब हम 1 बोरो करेंगे तो यहाँ पर 5 की जगह बच जाएगा 4, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 4। और 1 बोरो करने के बाद 2 चेंज हो जाएगा 12 में। अब हम 12 में से तो 8 माइनस कर सकते हैं। 12 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 4 एंड 4 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1। 52 रुपीज़ माइनस 38 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 14 रुपीज़। तानिया ने कितने रुपए ज़्यादा पे किए थे आइसक्रीम के लिए? 14 रुपीज़। इसी तरह क्वेश्चन आप अपनी मैथ्स वर्कबुक में भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।